हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ना थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन हमने बता दी है, आप लोगों को हमने याद करा दिया है। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे है। और फिर टेलीग्राम पे आई थिंक क्या मतलब 8 बजे आप लोगों का टेस्ट भी हो रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिए जाएंगे एंड आपको 8 से लेके 8:30 के बीच में टाइम मिलेगा 30 मिनट का। आप उसके आंसर दे सकते हो एंड जिनके आंसर सबसे ज़्यादा होंगे अच्छे और मतलब होता है ना करेक्ट आंसर होंगे, तो उनका जो नेम होगा वो हमारी कम्युनिटी बॉक्स पर आएगा। प्लस 20 क्वेश्चंस एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिला करके हम उसका डिस्कशन संडे को रखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लेना। आज हम तेज़ नहीं बोलेंगे, हम वॉल्यूम जो है उसको हम हाई करने की कोशिश कर देंगे एडिटिंग के टाइम पे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन ही केवल पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप उम्मीद मत रखना, क्योंकि ऑलरेडी हमने 44 मिनट की वीडियोस हमने अपलोड की है, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन हमने बहुत अच्छे से ट्रिक बना करके बताया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सीधा मतलब है कि एक सिस्टम है हमारा, एक कॉम्प्लेक्सेस का सिस्टम है, प्रोटीन कैरियर्स का सिस्टम है। ठीक है, और जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराता है। क्यों ट्रांसपोर्ट कराता है? बिकॉज इसके वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से ना क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है, क्या उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है। और इसी ग्रेडियंट का यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं, एटीपी का सिंथेसिस कर लेते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द ETS। ओके, देखिए अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की, तो जब पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाता है तो एक जो टोटल नंबर ऑफ ATP होता है वो प्रोकैरियोट में 38 होता है एंड वहीं पे यूकैरियोट में 36, बिकॉज कि जो पायरुवेट है जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसता है एसिटल कोएंजाइम में चेंज होने के लिए, तो वहाँ पर 2 ATP वो क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो डैट्स वाई कहीं कहीं आपको 36 लिखा होगा। देखिए कहीं भी अगर आप ये नेट वाला पूछेगा ना कि टोटल नेट ATP कितना बन रहा है, तो आपके आंसर में या तो 36 होगा ऑप्शन में या तो फिर 38 होगा, दोनों कभी भी साथ में नहीं दिया होगा। तो आपको 36 अगर मिल रहा है तो 36 पे टिक मारोगे, 38 मिल रहा है तो 38 पे। ओके, दोनों कभी भी साथ में नहीं दिया होगा। ओके, देखिए फिर वही बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये तीनों जो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए, सिट्रिक एसिड एंड रेस्पिरेटरी चेंज जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है तीनों, ये एरोबिक होती है। डैट मीन्स कि इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। वहीं अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो वो एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों तरीके से हो जाती है। ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन आते हैं NADH NAFADH2 से और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, O2 के पास लेकर के जाते हैं। मैट्रिक्स में पहले से H+ प्रेजेंट होता है और हम H2O का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, और ये जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन का, वो हमारे कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन जो प्रोटीन कैरियर्स हैं उनके द्वारा होता है। लाइक एज्यूम अगर आपके पास 5 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रोटीन कैरियर्स हैं, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक से दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर ऐसे करके ये कूद के दूसरे तीसरे ऐसे कॉम्प्लेक्स पे वो जाता रहता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस करता रहता है वो। और इसके कूदने की वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है, जिसका यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं, ATP का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए अगर हम सीधी बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन की, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो ATP का प्रोडक्शन जो है उसी को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। वन मोर थिंग इज कि हमने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में 3 स्टेप आप जनरली पढ़ते हो, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब एंड ये आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जो ATP का सिंथेसिस होता है वो एक्चुअली में आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में होता है। ग्लाइकोलिसिस, क्रैब में आप केवल जो यूनिट्स होती हैं एनर्जी की, उनको आप क्या कर रहे होते हो, कलेक्ट कर रहे होते हो और फिर उसको ला करके आप ETS पे डालते हो और फिर वहाँ से ATP जो है वो क्या होती है, सिंथेसाइज होती है। हमने आपको पढ़ाया था जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब कि जो ETS की साइकिल है वो अलोन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं शो करती है। एक्चुअली में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 2 प्रोसेसेस से मिलकर के बनी हुई है। ये एक कनेक्शन है दोनों के बीच में, जैसे कि एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा है कीमियोस्मोसिस, जिसको कि आप कीमियोस्मोसिस क्या कहते हैं, मैकेनिज्म भी कह सकते हो। देखो होता है क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको पास किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर लिखा हुआ है, आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पास होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से, और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स उत्पन्न हो जाते हैं। और इस ग्रेडियंट का यूज़ करके जब हम एटीपी का सिंथेसिस कर लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं केमियोस्मोसिस की प्रोसेस। तो मतलब ये कि जब तक कि एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस में घूम रहा है तब तक हम उसे ईटीएस की साइकिल कहेंगे, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना देता है और उसको ट्रैप करके हम एटीपी का सिंथेसिस कर लेते हैं तो उसे हम केमियोस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन केवल एक प्रोसेस से इंक्लूड नहीं है, मतलब सिर्फ ईटीएस इज़ नॉट अबाउट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ईटीएस और केमियोस्मोसिस जो है इन दोनों को मिला के तभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बनता है। ओके, केमियोस्मोसिस क्या है कि ये एक एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्रेडियंट यूज टू मेक एटीपी। वही बात है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है केमियोस्मोसिस से, दोनों टुगेदर मिलकर के क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस शो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो काफ़ी सारे रेस्पायरेटरी असेंबलीज, यहाँ पे रेस्पायरेटरी असेंबलीज से मतलब है आपके प्रोटीन कैरियर से। ओके, तो बहुत सारे प्रोटीन कैरियर से ये क्या करते हैं, बने होते हैं, डेट आर लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोसोल में होता है, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है, एंड जो आपका ईटीएस का साइकिल है वो इनर मेम्ब्रेन में होता है। किसके इनर मेम्ब्रेन में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के। जो कि इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसे बना होता है, ये फोल्डेड होता है। ठीक है, तो इसमें आपके क्या होते हैं, ईटीएस के साइकिल होते हैं, और इसी फोल्डेड स्ट्रक्चर पे आपको बहुत सारे ऐसे क्या मिलेंगे, प्रोटीन के कैरियर्स मिलेंगे। ठीक है, जिसको कि आप कॉम्प्लेक्सेस बोलते हो, जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो आपको यही पता चल रहा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बहुत सारे रेस्पायरेटरी असेंबलीज से कैरीड आउट होते हैं, मतलब उनके द्वारा क्या किया जाता है, ये प्रोसेस की जाती है। और ये जो भी रेस्पिरेटरी असेंबलीज हैं, नॉर्मल भाषा में समझे तो आपके जो कैरियर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। अब देखिए, जो NADH होता है, FADH2 होता है, जो कि हमें ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे कि हम TCA साइकिल भी कहते हैं और क्रैब साइकिल भी कहते हैं, नाम किससे पड़ा, हैंस क्रैब के ऊपर। ठीक है, जो इनको, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था। तो जो NADH एंड FADH2 हमें ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल से मिला था वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि एनर्जी के यूनिट्स हैं। ठीक है, बिकॉज दे कंटेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा हायर ट्रांसफर पोटेंशियल होती है। क्या होती है, हायर ट्रांसफर पोटेंशियल होती है। ये एक एनर्जी यूनिट है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, उसी इलेक्ट्रॉन को हमें यूज़ करना है। तो हमने आपको बताया भी था कि एक NADH जो होता है जब हम उसे तोड़ते हैं, ठीक है, जब हम एक NADH को तोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक Na+ मिलता है। ठीक है, और वहीं अगर हम सेम बात कर लें FADH2 की, ठीक है, अगर सेम हम बात कर लें FADH2 की, तो जब हम FADH2 को तोड़ते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है एंड FAD मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, FAD मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, और इसी इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके हम क्या किए, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने पढ़ा था। ठीक है, देखिए, व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो लिबरेट होता है। हमने आपको बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब आप पढ़ रहे थे तो लास्ट में कौन इंतजार कर रहा था, दादाजी इंतजार कर रहे थे। और वो दादाजी कौन थे, O2 थे ना, तो वो O2 इंतजार कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन को हमें बेसिकली पहुंचाना कहाँ था, पूरे बुआ के घर से घुमा करके हमें कहाँ लेके आना था, हमने दादाजी के पास लेके आना था, जो कि था हमारा O2। और फिर पूरा इलेक्ट्रॉन जब पूरा घूमा है तो उसको बेचारे को पसीना आ गया, और पसीने से हमने आपको बताया था कि लास्ट में जो हमारा ATS है उसके ATP बन जाएगा, एंड पसीने से आपको याद रखना था पानी, कि पानी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनके ट्रांसफ़र, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक जाते हैं, मतलब O2 तक जाते हैं, और वहाँ तक जाते जाते बहुत सारी एनर्जी ये क्या कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। क्योंकि लाइक होता है ना, आपको चार बुआ के घर पे घूमना है, आप घूम रहे हो तो आप धीरे धीरे करके पहले वाली बुआ के यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में जाओगे, फिर दूसरे तक एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, लो होती जाती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भी होती है। ओके, उसके बाद देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक मेंबर्स से एक मेंबर, मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो ये जितनी भी सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होती है, हमने आपको पढ़ाया था कि पूरी की पूरी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में चलता रहता है। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शन के टाइम पे वो कैप्चर की जाती है एज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो कि यूज़ होती है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, जिसको हम कीमोऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। देखिए, जब ऑक्सीडेशन होता है या फिर आप बोल सकते हो कि जनरेशन होता है, जब एक NADH टूटता है ना तो वो 3 ATP आपको देगा। वहीं जो FADH2 है, जब उससे हम कितना जनरेशन कर सकते हैं, हम 2 ATP जनरेट करते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि एक NADH जो है वो आपको 3 ATP बना करके देगा, और एक FADH2 जो है, ठीक है, FeDH2 जो है वो 2 आपको ATP बना करके देगा और 1 GTP कितना देगा 1 ATP देगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन की जो साइट होती है, ठीक है, वेट अ मिनट, ऑक्सीजन साइट एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वेयर इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड पिक्स अप द प्रोटॉन टू फॉर्म द वाटर। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बताया था कि बेसिकली होता क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। वेट अ मिनट, ये देखिए होता क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कि हम पढ़ते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन होती है क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, और बीच में ये फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, फिर ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन पे ही हमारे ETS की साइकिल हो रही होती है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हमने आपको पढ़ाया था कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे NADH जो है वो कि NADH जो होता है वो NAD प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटता है और वही इलेक्ट्रॉन अब पूरी तरीके से घूमता है और इसी के घूमने की वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है। अब ये ग्रेडियंट कैसे है कि यहाँ ये कॉम्प्लेक्सेस से आप देखते हो कि ये सभी के सभी क्या होते हैं H+ आयन, मतलब कि आप इन्हें प्रोटॉन बोलते हो, ये बाहर निकलते हैं। फिर ये जब यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं और मैट्रिक्स में कम रहते हैं तो क्या होता है कि ये हायर टू लोअर भागने की कोशिश करते हैं और उनको भागने के लिए एक ब्रिज पार करना होता है। वो ब्रिज जो है वो हमारा ATPase है। ठीक है, ATPase है। इस ATPase के द्वारा जब ये बहुत तेज़ी से भागते हैं तो क्या होता है उनकी एनर्जी को हम लोग ट्रैप कर लेते हैं और उसको ट्रैप करके जो ADP है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और वो ATP में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ATP का सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है ना कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 होता है जहाँ पर हम NADH से NAD में बदल रहे होते हैं, इसका नाम क्या होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हम NADH से ही बना रहे हैं ना, NADH से ही हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसीलिए हम इसका नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज रख देते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स 2nd है इसका नाम हम सक्सिनेट से, आप देखो इसका नाम क्या होता है अभी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो जब हम NADH की बात कर रहे थे तो NADH डिहाइड्रोजिनेज, जब हम FeDH2 की बात करेंगे तो आपको हमने पढ़ाया था क्रेब्स साइकिल में कि जब सक्सिनेट से फ्यूमारेट बदल रहा था तभी हमें FeDH2 और FeD मिल रहा था। तो सक्सिनेट से फ्यूमारेट जब बदला तभी FeDH2 जो है वो हमें मिला था और उसी का यूज़ करके हमें ATP बनाना है। तो 2nd कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या हो जाता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 3rd का देखिए यहाँ पर नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 3rd का नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो 3rd है ना वहीं पर आपका साइटोक्रोम C जो है वो वेट कर रहा होता है कि भाई आओ हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो साइटोक्रोम C जो है वो यहाँ कॉम्प्लेक्स 3rd में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, इसी वजह से कॉम्प्लेक्स 3rd का नाम होता है साइटोक्रोम C रिडक्टेज। और फिर वहीं पर अगर हम कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें तो वहाँ पर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और फिर लास्ट वाला जो है वो ATP सिंथेज, जिससे कि हमने आपको बताया ना ब्रिज वाला, तो वो हमारा हो जाता है ATP सिंथेज। ठीक है, ओके ये वाला डन हो गया, देखते हैं स्क्रीनशॉट। देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, फिर ये भी हमने डन कर दिया, ये भी हो गया। देखिए मोबाइल कैरियर्स की बात करते हैं, जब हमने आपको ट्रिक बताई थी तो हमने आपको बोला था 2 पहिया और 4 पहिया, यही ट्रिक बताई थी ना। तो ये 2 पहिया और 4 पहिया क्या थे, एक तो साइटोक्रोम के हमने बहुत सारे 4 पहिया आपको बताया कि भाई आप गए हो, रोहन नाम का लड़का था वो गया था अपने बुआ घर, तो उसको भाई साइटोक्रोम के मिलते जुलते काफ़ी सारे उसने क्या देखे थे, कार्स देखे थे, और कार क्या थे, मोबाइल थे। ऑब्वियसली जो चल रहा है वो मोबाइल है, तो साइटोक्रोम भी मोबाइल था। और हमने फिर आपको यूबिक्विनॉन भी बताया था कि वो भी क्या है, 2 पहिया है, तो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो दोनों चलने वाले हैं तो वो मोबाइल है, इसीलिए हमने आपको बताया था। तो जो मोबाइल कैरियर्स हैं यहाँ पर वो 2 ही हैं, एक है यूबिक्विनॉन, ठीक है, एक है यूबिक्विनॉन और एक है साइटोक्रोम। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है वेट, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं NADH एंड FeDH2 से वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं कोएंजाइम Q मतलब कि यूबिक्विनॉन तक, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूबिक्विनॉन। द इलेक्ट्रॉन कैरीज बिटवीन यूबिक्विनॉन एंड O2 आर साइटोक्रोम। मतलब क्या कि देखिए पहले क्या होता है, यूबिक्विनॉन के पास जो है ना, यूबिक्विनॉन के पास हमारा इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, उसके बाद वो साइटोक्रोम के पास जाता है एंड उसके बाद फिर वो O2 के पास जाता है। तो ये दोनों ही हमारे मोबाइल होते हैं, मतलब चलने फिरने वाले होते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी असेंबलीज, ठीक है, साइटोक्रोम की बात करें तो रेस्पिरेटरी असेंबलीज होती हैं, वो कंटेन करती हैं न्यूमरस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिसको कि हम साइटोक्रोम कहते हैं। जितने भी आपने ऊपर वो कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं ना उन सभी को हम साइटोक्रोम ही कहते हैं। एक साइटोक्रोम जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, वो प्रोटीन का बना होता है और इसमें हीम नाम का एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। देखिए साइटोक्रोम A एंड A3 जो होते हैं ये टर्मिनल मेंबर्स होते हैं रेस्पिरेटरी चेन के और ये कॉम्प्लेक्सेस में ही पाए जाते हैं, विच इज़ समटाइम कॉल्ड है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 था उसका नाम था। जब हमने आपको ट्रिक के द्वारा पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने बताया भी था कि A और A3 जो है वो आपके साइटोक्रोम 4 में पाया जा रहा है और दोनों को मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, फिर साइटोक्रोम जो है ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे साइटोक्रोम के ही द्वारा क्या होते हैं, पास किए जाते हैं। देखिए जो एनएडीएच फॉर्म होता है ग्लाइकोलिसिस से, वो डायरेक्टली एंटर नहीं करता है माइटोकॉन्ड्रिया से और डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं दे देगा, उसको जाना पड़ेगा ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो गई और वो डायरेक्ट हमें क्या कर दिया, एटीपी दे दिया। नहीं भैया, पहले आप ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस करोगे, फिर आप क्रैप करोगे, उसके बाद आपको ईटीएस करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको मिलेगा। बेसिकली ये पूरा का पूरा कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, एनएडीएच जो होता है वो साइटोसोल में आता है आपके मैलेट एस्पर्टेट। देखिए कैसे आता है एनएडीएच साइटोसोल में, तो दो सटल होते हैं। ठीक है, एक मैलेट एस्पर्टेट सटल होता है, एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल होता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट हम बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये आपसे पूछा जा सकता है। मैलेट एस्पर्टेट जो सटल है ये हमेशा ही लीवर, किडनी एंड मायोकार्डियल सेल को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। और ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल जो है ये स्केलेटल मसल और ब्रेन सेल के जितने भी एनर्जी का काम होगा वो हमारा ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल क्या करेगा, हैंडल करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर हम पूरे के पूरे पाथवे की बात करें एनएडीएच की, तो एनएडीएच क्या करता है, एनएडीएच कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ठीक है, किसके द्वारा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है उससे बाइंड करके वो एनएडी जो है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है यूबी क्विनॉन के पास जाता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाता है, फिर कॉम्प्लेक्स सी, फिर कॉम्प्लेक्स 4 एंड फिर ऑक्सीजन से जाकर के बाइंड हो जाता है। ये तभी समझ में आएगा जब आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख करके आओगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके ट्रिक वगैरह लगा के आपको हमने एक्सप्लेनेशन समझाया है। तो यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। देखो FADH2 की अगर हम बात करें तो सेम प्रोसेस होती है, केवल जो NADH होता है वो कॉम्प्लेक्स 1 से बाइंड करता है, वहीं FADH2 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स 2 से करता है। फिर कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो अपने साथ कॉम्प्लेक्स 3 में चले जाते हैं एंड फिर वो कॉम्प्लेक्स 4 में जा करके ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। सेम प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अपने कीमोऑस्मोटिक जो मैकेनिज़्म है उसकी बात करेंगे। ठीक है, समझिए कीमोऑस्मोटिक मैकेनिज़्म को हम कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ये डिस्क्राइब करता है एटीपी के सिंथेसिस की प्रोसेस को। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के द्वारा, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है और उसी ब्रेकडाउन जो ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है उसी ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। सबसे पहले कीमोऑस्मोटिक मैकेनिज्म जो एटीपी सिंथेसिस की थी वो सबसे पहले पीटर मिटशेल, ठीक है, पीटर मिटशेल, ठीक है, क्या नाम है उनका, पीटर मिटशेल के द्वारा क्या किया गया था, 1961 में इसको बताया गया था। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लो एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स से फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड पे फोर्थ पे, तो फिर ऐसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो हाई एनर्जी होती है वो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिलीज की गई है उसी के द्वारा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा हमारे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और उस ग्रेडियंट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जब वो प्रोटॉन भाग के नीचे आएगा मैट्रिक्स में तो हम उसे क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रैप करेंगे और एटीपी बना लेंगे। एज प्रोटॉन फ्लो डाउन द ग्रेडियंट, हमने बताया, मूव थ्रू द इनर मेम्ब्रेन, द एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे ही वो नीचे आते हैं H+ आयन, तो एडीपी प्रेजेंट होता है हमारे मैट्रिक्स में, उसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, दोनों को जोड़ के कैसे जुड़ेंगे, वो एनर्जी लगेगी। और जो H+ नीचे आ रहा है उसी की एनर्जी से हम क्या करते हैं, एडीपी एंड फॉस्फेट को जोड़ के एटीपी बना लेते हैं। अब देखिए एंजाइम सिंथेसिस की प्रोसेस अगर बात करें तो जब ग्रेडियंट ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो वहाँ पर एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। वही लास्ट वाला जो ब्रिज वाला था एटीपीएज, ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और फिर यही कैटेलाइज करता है हमारे एटीपी के। एटीपी सिंथेटेज ही जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, आपको इतना जानना है। ठीक है, फिर देखिए मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ एटीपी सिंथेज एंजाइम। एटीपी सिंथेज एंजाइम के पास दो साइट्स होते हैं, एक F0 होता है, एक F1 होता है। F0 जो होता है वो बनाता है ट्रांसमिशन चैनल और F1 जो होता है वो कनेक्ट करता है इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को इनर मेम्ब्रेन टुवर्ड द मैट्रिक्स। मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर सरफेस और मैट्रिक्स का जो पार्ट होगा उन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, F1 पार्टिकल। ठीक है, अगर अच्छा ये चीज़ें तो हो गई, मान लीजिए पूरा का पूरा हमने थ्योरी बता दिया। ऑब्वियसली जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन दे दिया है। देखिए लास्ट में यही बात आती है कि यार ऑक्सीजन के पास क्यों जाना है, वाई ऑक्सीजन ही क्यों जाना है। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होता है एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, यदि इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने के लिए कोई भी ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा। फॉर इंटेंस, मान लीजिए बिकॉज द पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग इन इनफ ऑक्सीजन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल स्टॉप रनिंग एंड एटीपी विल नो लॉन्गर बी प्रोड्यूस बाय कीमोऑस्मोसिस। आपके बॉडी में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा या फिर वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए, वहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि आप बहुत देर तक ना आपके अंदर एनर्जी बचेगी नहीं एंड इवेंचुअली आपकी डेथ हो जाएगी। तो वहाँ पर ऑक्सीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो लोग देखो ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आप तुरंत लो फील करते हो और आप एकदम होता है ना सांस अटकने लगती है, एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचेगा ही नहीं। इसीलिए इनहेल एंड एक्सहेल की प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। विदाउट इनफ एटीपी, अब जब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, उसको ट्रैप नहीं करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो एटीपी जब बनेगा नहीं तो कोई भी सेल जो होगी वो कैरी नहीं कर पाएगी रिएक्शन को, कोई फंक्शन नहीं होगा आपकी बॉडी में। और कुछ टाइम, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग इनफ पीरियड, कुछ टाइम नहीं, काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी और कुछ के बीच में जितना टाइम होता है ना उतने टाइम में आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर प्रेजेंट रहना। ठीक है, ये सब हमने बताया। प्रोकैरियोटिक में 38 होता है और ये सब ठीक है, ये छोड़ दीजिए। हाँ, डेट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, डेट्स ऑल अबाउट द एटीएस। आई नो कि बड़ी जल्दी जल्दी हमने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं, एक्सप्लेनेशन दे दिया है तो फिर क्या ही करें बताओ। तो तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है, तो आपको हमने एटीएस का थ्योरी पोर्शन भी बता दिया, ये नोट्स के लिए आपको हमने दिया था। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, नोट्स बनाइए और शाम को 8 बजे ज़रूर आ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन के आंसर्स देने। ठीक है, एक बार परख लेना कि कितना अपने आपका मतलब तैयार है ना, वो आप कितने पानी में हो, ये वाली चीज़ परखने के लिए आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आ जाइएगा 8 बजे, वेलकम है आपका टेलीग्राम चैनल पे। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।